गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, शाम की 7 बज चुकी है, हमारे एनवायरमेंटल साइंस का टाइम हो चुका है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और सबको बुला लो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमोट सेंसिंग हम पढ़ने वाले हैं। अभी ACF के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ लेंगे आज, क्या होगा। एक आध क्वेश्चन आने का हमें इससे लग रहा है कि इससे एक आध क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एंडी। चलिए शुरू करने से पहले, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा पूरा नाम है धीरज राजपुरोहित। मैं UPSC और RS मेंटोर हूँ। मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, IR, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट। ऑलराइट, शुरू करने से पहले दोस्तों प्लस के सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। क्यों लेना चाहिए आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन? एक्चुअली वहाँ पे आपको मिलेगा 1-to-1 इंट्रैक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ। आपको एक फेस टाइम मिलता है, यानी कि आपका एजुकेटर आपको वहाँ पे लाइव पढ़ा रहे होते हैं एजुकेटर्स, तो आपको एक लाइव इंटरेक्शन मिलता है, जैसे एक क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है। काफ़ी हमने नए टूल्स अभी लॉन्च किए हैं, जैसे कि क्विजेज़ वगैरह होती है लाइव, ठीक है, क्विजेज़ होती है, आपके बार ग्राफ्स होते हैं, आप अपना ग्राफिकल देख सकते हैं कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रैंकिंग्स होती है आपकी। ऑलराइट, और ये रैंकिंग्स आपके प्रोग्रेस रैंकिंग्स भी होती है, आपका प्रोग्रेस कार्ड मिलता है आपको। एक बहुत सारे नए नए टूल्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, ये सब आपको प्लस पे मिलते हैं। आप एक तरह से होलिस्टिक पूरी तैयारी अगर करना चाहते हैं एग्ज़ाम की, तब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑलराइट, आप यही सोच रहे होंगे कि सर यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, तो फिर हम क्यों प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, है ना। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, आपको एक तरह का एकदम पूरा सिर्फ एक टीचिंग एनवायरनमेंट मिलता है आपको, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता वहाँ पे। ऑलराइट, 1-to-1 इंट्रैक्शन होता है आपका टीचर के साथ में, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज़ और क्विजेज सॉल्व करने को मिलती है आपको, जो वहाँ पे आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की गई होती है। आपके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, ये अलग से होते हैं लाइव क्लासेस से, ये लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। प्लस आपके अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, यानी कि आप जो भी अपना गोल चूज़ करेंगे वहाँ पे आप ये सारे टूल्स तो यूज़ कर ही सकते हैं। जितने भी कोर्सेज आपके उस गोल में लॉन्च हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, अपने नोट्स वगैरह PDF वगैरह वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक सिस्टमेटिक वे में कवर किया जाता है। ऑलराइट, ये तो हो गए बेनिफिट्स। अब आप इसे कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए ये ऐप होना ज़रूरी है, ये आपको ऐप इंस्टॉल करनी है। और ये ऐप आपके पास वैसे भी होनी चाहिए, एक बहुत ही हैंडी टूल होना चाहिए आपके पास, हमेशा ये ऐप रहनी चाहिए। इस पर स्पेशल क्लासेस होती है जो कि फ्री होती है। ऑलराइट, ये स्पेशल क्लासेस फ्री होती है और इन्हें आपको देखना चाहिए, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होती है। मैंने भी अपनी काफ़ी स्पेशल क्लासेस लॉन्च की है, अब मैं और लॉन्च करने वाला हूँ। अभी एक रिसेंटली अभी जल्दी से मैं MCQs लॉन्च करने वाला हूँ स्पेशल क्लास पे। तो अगर आपने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आप ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। ऑलराइट, वहाँ पे आप मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हैं, और आपको अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन भी चाहिए तो वो भी आप इसी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फिर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल बनाने के बाद मैनेज गोल्स में जाइए, गोल्स में जाके अपना गोल चूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल स्टेट PSC में जाके आप RPSC चूज़ करते हो, RPSC चूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो फिर RPSC के अंदर जितने भी आपको एजुकेटर्स हैं ये सब आपको दिख जाएंगे वहाँ पे। आप अच्छे जो आपको एजुकेटर्स अच्छे लगते हैं, जिनकी क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं, उन्हें आप फॉलो कीजिए, ठीक है। यहीं पे आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी भी यहाँ पे स्पेशल क्लासेस काफ़ी मैंने अपलोड कर रखी है, और अभी आने वाले टाइम में मैं और अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइव होगी, स्पेशल क्लासेस लाइव अटेंड कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है कि प्लस का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी आप यहीं से ले सकते हैं। इसके बाद आता है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो इसके बाद प्लस का सब्सक्रिप्शन आप कैसे ले सकते हैं? सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में जाइए, जिस नाम से आपने प्रोफाइल बनाई होगी वहाँ आपको ये प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी, जिस पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह से मंथली प्लान्स आ जाएंगे। देखो दोस्तों, ये जो छोटे प्लान्स हैं 1 month, 3 month, 6 month, ये एक्चुअली वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, जो या तो फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए आए हैं, ऑलराइट, या फिर क्रैश कोर्स करने के लिए आए हैं। पर जो भी मेरे दोस्त लंबी तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो वो 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें।
तो आपको एक पूरा का पूरा एक आपको टाइम पीरियड अच्छा मिल जाता है तैयारी करने के लिए, ठीक है। और फिर अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि मुझे टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स करना है, तो फिर आप ये छोटा प्लान भी ले सकते हैं। ऑल राइट, ई एम आई ऑप्शन भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आप देख सकते हैं। वो एक साल के जो है उसमें ई एम आई है 583 और 2 साल का है 350, बट आपको इतना भी पे नहीं करना है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो धीरज 10, तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो जो अन अकेडमी में अवेलेबल है, ठीक है। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इवन आपका जो एक साल का जो 7000 है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6300 का होगा, और 2 साल का जो है वो आपको 7560 का। इवन ये ई एम आई ऑप्शन में भी आपके 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मेरा कोड यूज़ करना ना भूलें, इसे याद रखें, इसे यूज़ कर लें, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी पूरे आपके एग्ज़ाम के दौरान, ठीक है। चलिए, तो जो भी मेरे दोस्त नए हैं अभी चैनल पे, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसके आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो फटाफट से। चलो तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग क्या है? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट का मतलब क्या होता है? रिमोट का मतलब है फार अवे, कोई चीज़ जो दूर हो, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिमोट। रिमोट कंट्रोल आपने सुना होगा, रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या है? ऐसा कंट्रोलर जो कि आप रिमोट तरीके से यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, है ना, दूर होते हुए भी यूज़ कर सकते हो। आपका टीवी का रिमोट कंट्रोलर होता है, वो आप क्या करते हो, टीवी से दूर खड़े होते हैं फिर भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, और टीवी में जनरली जो यूज़ होती है रेडिएशन कौन सी होती है? आई आर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, लाल कलर की लाइट आपको दिखती होगी, ठीक है। तो हम बात आते हैं रिमोट पे। रिमोट का मतलब क्या होता है? फार अवे, यानी कि दूर। थस रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या हो गया? रिमोट सेंसिंग का मतलब ऐसा हो गया कि मीन्स सेंसिंग और ऑब्जर्विंग थिंग्स, है ना, किसी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना या उसे सेंस करना और उसको डिस्टेंस दूर से ऑब्जर्व करना, यानी कि उसको हम फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बिना दूर से ऑब्जर्व कर सकें, उसको हम रिमोट सेंसिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, अगर हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, तो हमारे पास कितने सेंस होते हैं? 5 सेंस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेंस हैं अपने पास? साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच और स्मेल। ये 5 हमारे बेसिक सेंस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सेंस में से हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए कौन कौन से काम आते हैं दोस्तों? हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए आप देख सकते हो साइट, हियरिंग और स्मेल। ये 3 जो सेंस हैं हमारे, ये तीनों सेंस हमारे रिमोट सेंसिंग के लिए काम आते हैं, ठीक है। काम आते हैं कैसे? अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देख रहे हो, तो वो आप क्या है, वहाँ पे आप मैच के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हुए भी दूर से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, सुन सकते हो दूर से। आपको फिजिकली टच नहीं करने पड़ेगा किसी को, बस आप दूर से सुन सकते हो, जैसे कोई ट्रेन की सीटी बज रही है या फिर आपके कोई गाना बज रहा है पास में, है ना। और स्मेल, दूर से आप किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हमारे, ये जो 5 सेंस हैं, इनमें से हम ये 3 सेंस रिमोट सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आई गेस आपको आइडिया हो गया होगा रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? कि ऐसी चीज़ों को सेंस करना या ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज़ को, इवेंट को, दूर से उसको फिजिकली कॉन्टैक्ट करके या वहाँ पे उसके नज़दीक प्रेजेंट होने से अच्छा है कि उससे दूर से हम क्या कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी को रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। रिमोट का मतलब क्या है? दूर से, और सेंस का मतलब क्या है? सेंस करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूर से अगर किसी चीज़ को आप सेंस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे? रिमोट सेंसिंग। ये तो हो गई बेसिक इसके पीछे फिलॉसफी। अब अगर हम बात करें टेक्निकल टर्म्स में, तो रिमोट सेंसिंग क्या होती है? रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। इंफॉर्मेशन गैदर करना है किसी भी फिनोमिना या फिर ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु या घटना के बारे में क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। उसके बारे में डाटा कलेक्ट करना है, बट विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी कि उससे कोई भी शारीरिक संपर्क बनाए बिना,
बिना उसको टच किए, बिना उसको, बिना उससे संपर्क में आए, दूर से ही हम उसे क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना की, उसको कहते हैं रिमोट सेंसिंग। ये हो गया टेक्निकल टर्म्स में हमने। अब रिमोट सेंसर्स जो है, मोस्टली जो रिमोट सेंसर्स जो डाटा कलेक्ट करने के लिए काम आते हैं, वो कैसे कलेक्ट करते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं एनर्जी को जो अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई है। जिस रिमोट सेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में, वो जनरली कहाँ यूज़ होती है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट है अर्थ। अभी जनरली हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो अर्थ के लिए यूज़ करते हैं, पर रिमोट सेंसिंग किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट, अर्थ के अलावा भी कोई ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी यूज़ हो सकती है। बस क्या है, जो एनर्जी एमिट हो रही है ऑब्जेक्ट से, जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम सेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको यहाँ सेंसर्स में, ये आपके सेंसर है, ये सेंसर्स क्या कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, ऑलराइट? और जैसे हमें उसे मैनिपुलेट करके यूज़ करना है, उस डाटा को वैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो जनरली ये जो रिमोट सेंसर्स हैं, ये हम कहाँ पे माउंट करते हैं? या तो सैटेलाइट्स पे, या तो सैटेलाइट पे लगे हुए होते हैं ये सेंसर्स, या फिर हम किसी एयरक्राफ्ट पे भी लगा सकते हैं। भाई अगर सैटेलाइट तो ठीक है, आप जो पृथ्वी है उससे दूर एक उपग्रह बना दिया और वहाँ से आप क्या कर रहे हो, या पृथ्वी से एकदम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, रिमोट सेंसिंग करनी है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अर्थ की, वो आप कर सकते हो सैटेलाइट से या फिर किसी एयरक्राफ्ट से, ठीक है? ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही है, आप ये डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं कहीं और भी। जैसे कि हम समझ लो कि सोचते हैं कि मून की हम रिमोट सेंसिंग करें, तो मून के पास में एक क्या करेंगे, हम सैटेलाइट लगा देंगे, या फिर वहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट वहाँ भेज देंगे। वहाँ पे एयरक्राफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो सैटेलाइट हम यूज़ करेंगे। सैटेलाइट से क्या करेंगे, हम वहाँ से रिमोट सेंसिंग करेंगे, उसकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये जो ऑब्जेक्ट हो गया वो हो गया फिर आपका मून, और मून से जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको कैप्चर किया जाएगा। ये दो तरह से होती है, एक तो ये सेल्फ एमिट होती है, जो सेल्फ एमिशन करती है ये, और या फिर कोई दूसरी एनर्जी इस पे आ रही है, जैसे कि सन की एनर्जी इस पे आ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है? इसको हम आगे देखेंगे क्या होता है इसमें, ठीक है? अब रिमोट सेंसिंग की बात करें तो सबसे बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था पता है? एरियल फोटोग्राफी, जो अपने नॉर्मल फोटोग्राफी है ना, नॉर्मल फोटोग्राफी से स्टार्ट हुआ था रिमोट सेंसिंग, एक तरह का वो भी क्या है, रिमोट सेंसिंग है। सबसे वाइडली यूज रिमोट सेंसर कौन सा है? आइज, आँखें हैं। आँखें सबसे वाइडली यूज रिमोट सेंसर्स हैं। आप देख सकते हो आँखों का बेसिक फिलोसफी क्या है, आँखों की, हम देख रहे हैं कोई चीज़ दूर है, हम उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसे छू के नहीं देख रहे हैं, ठीक है? हम उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डाटा कलेक्ट हो रहा है और उसका मैनिपुलेशन हो रहा है, फिर हमारा क्या है, डाटा स्टोर हो रहा है ब्रेन में, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका, रिमोट सेंसिंग। तो बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रिमोट सेंसर कौन सा है? आपके आईज। और सबसे पहले जो रिमोट सेंसिंग अगर टेक्नोलॉजी के लिए डेवलपमेंट हुआ था, वो कहाँ पे यूज़ हुआ था? एरियल फोटोग्राफी, यानी जो फोटोग्राफी करते हैं, है ना, जो हवाई फोटोग्राफी करना शुरू किया था हमने, वहाँ से हमने रिमोट सेंसिंग यूज़ करना स्टार्ट किया था। बट अब इसका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब सिर्फ एरियल फोटोग्राफी जो थी वो सिर्फ क्या है, हम विजिबल लाइट को यूज़ करते थे। कौन से? विजिबल लाइट को यूज़ करते थे। विजिबल लाइट यानी कि विजिबल लाइट कितनी होती है आपकी, 380 नैनोमीटर टू आपके 700 नैनोमीटर, ये रेंज होती है आपकी विजिबल लाइट की, ये रेंज होती है आपकी विजिबल लाइट की, है ना सर? एमसीक्यूज आपने अगर नहीं देखे तो आप प्लीज़ मेरे जाके स्पेशल क्लासेस देखो, मैंने उसमें स्टार्टिंग में एमसीक्यूज करवाए हैं, और एमसीक्यूज में और स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? तो एमसीक्यूज हम करेंगे स्पेशल पे, हो सका तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अगर आपके आने वाले टाइम में, या तो रिवीजन बेसिस पे हम यहीं पे एमसीक्यूज भी कर लेंगे यूट्यूब पे भी, ऑलराइट? या तो नेक्स्ट टाइम हम एमसीक्यूज बेस भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, ओके। तो बात कर रहे हैं हम विजिबल पोर्शन की, तो विजिबल पोर्शन आपका कितना है, 380 टू 700 नैनोमीटर। तो एरियल फोटोग्राफी तो आपके इसी रेंज में क्या करता था, यूज़ करता था, इसी रेंज की आपकी लाइट की कैपेसिटी को यूज़ कर रहा है। बट अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ चुका है, अब हम नियर इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और माइक्रोवेव भी यूज़ कर रहे हैं, ये वेवलेंथ को भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। तो अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आने से हमारे क्या है, रिमोट सेंसिंग की स्कोप बढ़ चुका है, ठीक है? अब बात करें, अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा आपके, ठीक है? पैसिव और एक्टिव सेंसर्स क्या है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, ठीक है? तो पैसिव सेंसर्स की बात करें अगर, तो पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, या फिर पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होती है? पैसिव रिमोट सेंसिंग का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपका सोर्स है, ये तो ऑब्जेक्ट है जहाँ, जिसको हम, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये तो क्या है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी ऑब्जर्वेशन चल रही है,
ये तो अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है आपका सोर्स है। सोर्स किस चीज का? सोर्स आपका एनर्जी का, और ये है आपके सेंसर, ठीक है। अब आपके पैसिव, पैसिव रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो सोर्स है वो आपके ऑब्जेक्ट से अलग होता है, समझ गए आप, ऑब्जेक्ट से अलग होता है, और एक्टिव के अंदर क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट ही आपका सोर्स होगा, ठीक है। अब पैसिव को समझ लो आप, जैसे एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जो बेसिक हमारा जो यूज़ करते हैं हम, जो सन से रेडिएट होती है एनर्जी आती है, ठीक है, ये जो आपके रेडिएशन आ रही है ये कहाँ पे हिट करती है आपके, इसके अर्थ पे हिट करती है, अर्थ पे हिट करके ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी को जब हम, इसी को अगर कोई सेंसर सैटेलाइट में कोई सेंसर लगाया है, वो इसको सेंस कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, इसको हम कहेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो आपका सोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट से अलग होगा, बेसिक फिलॉसफी है, सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों अलग होंगे, ठीक है। सो पैसिव सेंसर्स गैदर रेडिएशन दैट इज एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट हो रही है एनर्जी, उसको सेंस किया जा रहा है या उसको कैप्चर किया जा रहा है सेंसर के थ्रू, उसको हम पैसिव रिमोट सेंसिंग कहेंगे। नाउ रिफ्लेक्टेड सनलाइट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन मेजर्ड बाय पैसिव सेंसर्स, बिल्कुल ये सबसे कॉमन जो चीज़ है, जो कॉमनली यूज होती है, वो कौन सी, आपके जो सन से रेडिएट होती है, जो सन से रेडिएट होती है वो सबसे कॉमन है आपकी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स अगर देखें हम पैसिव रिमोट सेंसिंग की, तो ये इंक्लूड करती है आपके फिल्म फोटोग्राफी, इंफ्रारेड चार्ज कपल डिवाइसेस, रेडियोमीटर्स, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके पैसिव सेंसर्स के एग्जाम्पल हैं। देख लो फिल्म फोटोग्राफी में भी क्या होती है, जो रिफ्लेक्ट होती है लाइट उसी को कैप्चर किया जाता है, एक अपनी आईज जो है ये भी क्या आपके एक तरह से पैसिव रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हम क्या कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं। अब एक्टिव सेंसर्स या एक्टिव कलेक्शन या फिर एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या होगा, एक्टिव का मतलब ऐसा है कि जो आपने क्या किया है, आपने एक लाइट सोर्स है वो किसके थ्रू आया है, आपके लाइट सोर्स आपने भेजा है, आपने जो सेंसर्स हैं उसी के साथ एक लाइट सोर्स लगा दिया आपने, जो लाइट सोर्स भेजे जा रहे हैं और वो लाइट सोर्स क्या हो रहे हैं, वो लाइट सोर्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहे हैं और उसे कैप्चर किया जा रहा है सेंसर्स के थ्रू, इसको कहते हैं एक्टिव कलेक्शन। यानी कि आप लाइट को, आपके पास कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, नेचुरल सोर्स नहीं है, आप खुद लाइट भेज रहे हो और उसी लाइट को कलेक्ट कर रहे हो, उसकी उसकी क्या वेरिएशन देख रहे हो। फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ से हमने क्या किया, ये लाइट सोर्स है, लेज़र सोर्स है, ये लेज़र सोर्स क्या करता है आपके, लाइट एमिट करता है, ठीक है, ये लेज़र एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, ये लाइट एमिट करके इस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट को टकराएगा और इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करेगा वापस, और यहाँ हमारा क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर ये सेंसर, तो ये सेंसर इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा वापस, ठीक है, और डिटेक्ट करेगा और देखेगा कि इसको कितना टाइम लगा वापस आने में, और ये डिपेंड करता है इस एरिया पे, इस ऑब्जेक्ट पे, कि ऑब्जेक्ट से कैसे रिफ्लेक्ट होगा। अगर समझ लो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट की सरफेस बहुत ही स्मूथ है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, अगर वहाँ पे समझो ट्रांसपेरेंट है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, अगर वो खुरदरा है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उस सब केसेस में कैसे रिफ्लेक्शन अलग होंगे, हमेशा अलग होगा, टाइम ऑफ ट्रेवल जो होगा ना इस लाइट का और डायरेक्शन, वो सब क्या करेगा, वो डिटरमाइन करेगा आपके वहाँ पे एरिया कैसा बना हुआ है। ये इन सब का काम क्या होता है दोस्तों, इनका काम एक्चुअली ये होता है कि भाई अर्थ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ पे दूसरे सिर्फ ज्योग्राफी भी नहीं और भी कई तरह के मैप्स बनाने के लिए काम आता है ये, ठीक है, रेडिएशन मैप्स बनाने के लिए काम आ जाता है, क्या आपके जो अर्थ का टेम्परेचर है उसके हिसाब से भी देख सकते हैं ये, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्टिव के अंदर आप समझिए, पैसिव और एक्टिव में एक ही फ़र्क है, पैसिव में आपके क्या है कि लाइट सोर्स है आपका, एक सोर्स है जिससे क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि आप मैनमेड तरीके से नहीं भेज रहे हो कुछ, ठीक है, आपने खुद ने नहीं भेजी है लाइट, एक लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है, नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको कहेंगे हम पैसिव रिमोट सेंसिंग। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, आप इसको काट दो अगर, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये देखो, ये है एक्टिव रिमोट सेंसिंग, यहीं से आपने लाइट भेजी और इसी लाइट को कलेक्ट कर लिया, तो ये क्या है आपका, एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो डिफरेंस है, वो आप समझ के होंगे, आपको वापस मैं बता दूं कि ये जो लाइट सोर्स है, आपने कोई लाइट सोर्स रखा है, सेंसर्स रखा है साथ में, जो लाइट सोर्स है वो लाइट एमिट करेंगे, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएगी लाइट और उसको आप सेंसर्स में सेंस किया जाएगा, तो इसको कहते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। इसका काम, इसके एग्जाम्पल्स जैसे कि रेडार, और लिडार,
ठीक है। रेडार किसके लिए काम आता है आपका? रेडियो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो हम मोस्टली रेडार टेक्नोलॉजी आप सुनते होंगे कि एयरक्राफ्ट आ गए उनको हम क्या है, हमारे पास रेडार टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, कोई भी एयरक्राफ्ट या ड्रोन आएगा हम उसे डिटेक्ट कर लेंगे। तो रेडार का काम क्या होता है? रेडार का काम यही होता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है आपके रेडार, इस तरह से अगर ये रेडार है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे इसकी रेंज है, ये उसकी रेंज है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो ये उसकी रेंज है। अब कोई भी ड्रोन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ही इसकी रेंज के यहाँ पे अंदर आता है तो ये क्या कर रहा है, इस रेंज में क्या कर रहा है, ये लाइट एमिट करके बार बार इसे डिटेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, ये लाइट एमिट हो रही है और डिटेक्ट हो रही है। जैसे ही यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया तो इसके पास ये लाइट इसको इस पर क्या करेगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, ये सेंसर क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। और इवन सिर्फ ये सेंस यही नहीं करेगा कि सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ये लाइट वहीं से डिटेक्ट होकर वापस आएगी, तो उस हिसाब से ये सेंस भी कर लेगा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या इसकी स्पीड है, किस तरह से ये मूव कर रहा है, क्या इसका पैटर्न है, ये सब चीज़ें ये क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा। ऑल राइट, तो ये रेडार टेक्नोलॉजी आप समझे, रेडार टेक्नोलॉजी एग्जांपल किसका हो गया आपका, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का एग्जांपल हो गया। लिडार कुछ नहीं है, लिडार आपका लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है, जहाँ पे रेडार में आपके क्या है, ये जो रेडियो सिग्नल्स यूज़ किए जाते हैं रेडार के अंदर, और वहीं लिडार के अंदर लाइट यूज़ की जाती है ना, लाइट यूज़ की जाती है, लाइट को एमिट किया जाता है, लाइट को वापस डिटेक्ट किया जाता है, और रेडार के अंदर रेडियो सिग्नल्स को एमिट और डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, चलिए प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं। ऑल राइट, प्रिंसिपल्स में और कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके क्या है, सोर्स का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है टारगेट के साथ, इसके बारे में हम पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जो लेते हैं वही बेसिक आपके रिमोट सेंसिंग के ऊपर यही डिपेंड करता है, ठीक है, कि सोर्स का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, जो लाइट सोर्स है या एनर्जी सोर्स है उसका इंटरेक्शन हमारे टारगेट के साथ कैसे हो रहा है, उसी को सेंस किया जाता है और उसी को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब वो सोर्स आपका एनर्जी सोर्स सन भी हो सकता है, या फिर आपके कोई लाइट आपके यहीं से डिटेक्ट हो रही है, सेटेलाइट पे हमने कोई लेज़र लाइट लगा दी है, या फिर कोई नीचे आपने कहीं लेज़र लाइट लगा दी और उसको क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से भी हो सकता है। बस एक सोर्स का जो इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा है टारगेट के साथ में, उसको सेंस किया जा रहा है, यही आपका बेसिक प्रिंसिपल है रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। इसको हम समराइज कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि इल्यूमिनेशन और एनर्जी सोर्स, बेसिक आपका क्या होना चाहिए, एक एनर्जी सोर्स होना ज़रूरी है, ठीक है, जहाँ से क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और फिर आपका रेडिएशन एंड इट्स इंट्रैक्शन विद द एटमॉस्फेयर, अगर उस एनर्जी का जो एनर्जी सोर्स है उसका जो इंट्रैक्शन होगा एटमॉस्फेयर के साथ, ये होगा सेकंड स्टेप। फिर आपका इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद द टारगेट, फिर क्या है, टारगेट के साथ इंट्रैक्शन, और उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाय दिस सेंसर। अब जो टारगेट के साथ जो इंट्रैक्शन हुआ है इसी को क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, इसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसी को सेंस कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो रेडिएशन हम, ये जो सोलर रेडिएशन आ रही है उसमें तो चलो ठीक है सोलर रेडिएशन है, बाकी जो भी हम लाइट भेज रहे हैं या फिर हम जो एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हमारा एक टारगेट होता है कि हमको क्या अचीव करना है, किस तरह का हमें डाटा चाहिए, उस हिसाब से हम वहाँ पर एनर्जी सोर्स उसी तरह का चूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, इसके बाद क्या हो गया आपका, डाटा रिकॉर्डिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड एनर्जी, यानी कि डाटा कलेक्शन हो गया आपका, इसके बाद जो डाटा कलेक्शन हुआ उसका ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन क्या कहाँ किया जाएगा, आपके यहाँ पे नीचे जो भी आपके एंटीनाज वगैरह लगे होंगे यहाँ पे इनका डाटा क्या होगा, ट्रांसमिट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा एक स्टेशन पे, और फिर इसको प्रोसेस किया जाएगा आगे, क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, इसको प्रोसेस करने के बाद इसका इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस किया जाएगा, इसकी व्याख्या और विश्लेषण किया जाएंगे इसके बाद, ठीक है, कि इस डाटा का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि ये डाटा क्या है, क्या इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा, और फिर इसको क्या किया जाएगा, इसको एप्लीकेशन में यूज़ किया जाएगा कि भाई कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हम कि कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फ्लो चार्ट है, एक बार वापस देख लो, सबसे पहले क्या होगा आपका, एक एनर्जी सोर्स होगा, एनर्जी से फिर आने क्या, ये आपके रेडिएशन जो आगे निकलेगी, ये रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा किसके साथ, एटमॉस्फेयर के साथ, वायुमंडल के साथ।
अब एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन के बाद आपका क्या होगा, इसका इंटरेक्शन होगा, रेडिएशन का इंटरेक्शन होगा टारगेट के साथ। ये टारगेट के साथ जो इंटरेक्शन हुआ है ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये रिकॉर्ड करने के बाद किया जाएगा ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसमिट किया जाएगा आपके बेस स्टेशन पे, अर्थ पे जो स्टेशन है उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। ट्रांसमिट करने के बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा, यानी इसका विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण करने के बाद हम देखेंगे कि इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखी जाएगी। तो बेसिक फ्लो चार्ट है, स्टेप बाय स्टेप आप याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। नाउ बात करते हैं अगर एनर्जी सोर्स का, एनर्जी सोर्स का फॉर रिमोट सेंसिंग द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ टू हैव एन एनर्जी सोर्स। बिल्कुल, रिमोट सेंसिंग के लिए सबसे पहले हमारा एक एनर्जी सोर्स होना ज़रूरी है जिससे कि एनर्जी एमिट होगी। अगर एनर्जी एमिट नहीं होगी तो हम किस एनर्जी को हम लेंगे और किसको हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमारा फिलॉसफी कहाँ से स्टार्ट होती है, बेसिक जो इसकी प्रिंसिपल स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, एक एनर्जी सोर्स होना ज़रूरी है। वो एनर्जी सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, आपका रेडार हो सकता है, आपका सोनार, लिडार, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है आपका सोर्स, लाइट। यहाँ पे क्या है आपका साउंड, यहाँ क्या है आपका लाइट, यहाँ क्या है आपका रेडियो वेव्स, यहाँ क्या है आपका रेडिएशन है, सन रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ये आपके एनर्जी सोर्सेस हो गए, ये अलग अलग हैं। और इन सब में देख लो ये रिमोट सेंसिंग ही है। साउंड का अभी लेटेस्ट अभी तो क्या है, साउंड को भी हम यूज़ करने लग गए। पहले एक टाइम पे सिर्फ हमें क्या था कि सिर्फ लाइट को ही हम यूज़ कर सकते थे, फिर हमने रेडियो वेव्स जब से आए हमें पता चला तो हमने रेडियो वेव्स के बारे में यूज़ करना शुरू किया। अब फिर ये लाइट, ये वाला जो है हमने आर्टिफिशियल लाइट वाला, ये उसके बाद आया रेडियो वेव्स के बाद, और फिर हमने साउंड को भी यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो देखिए आप साउंड वेव्स छोड़ी जाती है और उसको वापस, जो साउंड वेव्स वापस आती है उससे हम डिटेक्ट करते हैं। मोस्टली ये कौन यूज़ करता है, अगर नेचुरल वे में देखा तो बैट्स, चमगादड़ होता है ना, चमगादड़ कहते हैं कि भाई वो क्या होते हैं, अंधे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं किसको, साउंड वेव्स को। उनके जो पंख होते हैं उससे वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स छोड़ते हैं, और वो जो साउंड वेव्स वापस टकरा के आते हैं, ये जब कहीं पे भी ये फ्लाई उड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उससे पहले क्या उस डायरेक्शन में ये साउंड वेव छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कोई भी क्या कर रहे हैं, कोई भी हर्डल आया, ऑब्जेक्ट आ गया, कोई दीवार आ गई, तो इसके बाद साउंड वेव्स यहाँ टकरा के वापस आएगी और ये सेंस कर लेंगे और वहाँ से क्या है मुड़ जाएंगे। और ये बहुत फास्ट होता है, आप देखते हो उनको एकदम धीरे धीरे नहीं उड़ते, वो बहुत तेज़ उड़ते हैं। तो इनके पास सबसे एडवांस्ड सोनर टेक्नोलॉजी है इनके पास, सबसे एडवांस्ड, ठीक है, जो नेचुरल वे में, ठीक है। तो ये बात करें तो ये बात हो गई हमारी, क्या हो गई, सोर्सेस, क्या हो गए, सोर्सेस हो गए। सोर्स होना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर। जो रेडिएशन आपके छोड़े जा रहे हैं, ठीक है, भले ही आप सन से छोड़ा जा रहा है या फिर आपने क्या किया है यहाँ से, आपने एनर्जी सोर्स यानी लेज़र वगैरह कुछ छोड़ा है यहाँ से, है ना, लेज़र लाइट छोड़ी है, जो भी आपने एनर्जी यहाँ से रिलीज़ की है, या तो सन से आ रही है नेचुरली या आपने रिलीज़ करी है, उसका इंटरेक्शन होगा एटमॉस्फेयर में, उसका एटमॉस्फेयर में भी एक इंटरेक्शन होगा, ऑलराइट। तो ये क्या है, ये हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, या फिर इसको भी हम एक तरह से क्या है, इसको भी काउंट में लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट सीधा जाके और यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ हमें इस कोई ज़मीन है, यहाँ पे हमें रिमोट सेंसिंग करनी है, यहाँ देखना है कि भाई ये ज़मीन कैसी है, यहाँ पे कितनी कितना उतार चढ़ाव है, किस तरह की टोपोग्राफी है यहाँ पे, ये सब हमें मेजर करना है। ये मेजर करने से पहले हमें ये भी अकाउंट में लेना पड़ेगा कि ये एटमॉस्फेयर में इंटरेक्शन होगा, जो लाइट है उसका इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर में भी होगा। यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ऑलराइट। तो इनके साथ कैसे उसका रिएक्ट, उसका क्या हो रहा है, उसका इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हमें देखना होगा। इसके लिए देखने के लिए एक मेजरमेंट ये भी है कि हमारे पास जब ये सबसे बेटर वे क्या है, जब हम खुद अगर लाइट छोड़ रहे हैं यहाँ से, रिलीज़ कर रहे हैं एनर्जी, तो हमें पता है कि किस तरह की एनर्जी रिलीज़ हुई है। इस एनर्जी को यहाँ बेस स्टेशन पे यहाँ पे देख सकते हैं हम, और एक डिफरेंस नाप सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। एनर्जी सोर्स अगर हम नेचुरल की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर के ऊपर इसे टेस्ट कर सकते हैं सेंसर्स के हिसाब से कि एनर्जी कैसी है, और नीचे आने तक, यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आने तक इसकी एनर्जी में क्या चेंज आया। तो हम ये जो फैक्टर है बीच का, ये जो फैक्टर है बीच का, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम बाद में काउंट में ले सकते हैं कि अच्छा ये डिफरेंस आया, इसका मतलब ये जो पार्ट है ये हमारा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, जिसको हम बाद में क्या है इसको हटा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली बस इतना समझिए आप कि ये जो चीज़ है
बीच में इंट्रैक्शन होगा एटमॉस्फेयर के साथ और इसको मिनिमाइज भी करना है. मिनिमाइज तो हम कर नहीं सकते, ये नेचुरल है, तो मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, या फिर इसको अकाउंट में ले लें, इसको पहले से ही नाप लें हम कि अच्छा इतना डिफरेंस हो गया है. फॉर एग्जांपल इसको हम वैसे क्वांटिटेटिवली नहीं ले सकते, बट फिर भी हम जो भी इस डाटा में यहाँ पे कलेक्ट होगा उसको वहाँ पे अकाउंट में लेके उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, ताकि हमारे पास एक्चुअल ग्राउंड में जो हमें रिमोट सेंसिंग करनी है उसका इसका डाटा एक्चुअल डाटा आएगा. वरना इसके साथ क्या आएगा, आपका फ्लक्चुएटेड डिफरेंट डाटा आ जाएगा. ठीक है. देन इंटरेक्शन विद द टारगेट. अब टारगेट के साथ इंटरेक्शन देखा जाएगा. एटमॉस्फेयर के साथ तो हो चुका, एटमॉस्फेयर के बाद क्या हो गया है आपके नीचे इसके साथ, जहाँ आपका टारगेट है. टारगेट बोले तो यहाँ हमने कोई ज़मीन का अगर हम कर रहे हैं रिमोट सेंसिंग, जैसे कि नॉर्मली रिमोट सेंसिंग यूज़ की जाती है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट पे जो लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है वो देखा जाएगा. वंस द एनर्जी फ्रॉम द सन और एनी अदर सोर्सेज रीचेज द टारगेट आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू एटमॉस्फेयर इट इंटरेक्ट्स विद द टारगेट. टारगेट के साथ इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करेगा टाइगर टारगेट पे डिपेंड करेगा. ये देखो टारगेट अगर समझ लो आपका वाटर है, वाटर बॉडी है, मतलब कि टारगेट आपका ये पूरा का पूरा ये लैंडमास है, बहुत बड़ी सी ज़मीन है, यहाँ पे कोई तालाब भी होंगे, यहाँ पे कोई पेड़ पौधे भी होंगे, यहाँ पे कोई पर्वत भी होंगे, माउंटेन्स भी होंगे, तो सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है. देखो पानी की प्रॉपर्टी कैसी है कि वो वाटर क्या है कि लाइट जो है, लाइट सोर्स है, अंदर तक जा सकता है उसमें, है ना, पेनिट्रेट कर सकता है उसको, और फिर बाद में इसको रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल रिफ्लेक्ट भी करेगा. तो इसकी रिफ्लेक्टिव कैपेसिटी इसकी अलग है, माउंटेन्स की अलग है. ठीक है, आपके अंदर कोई यहाँ पे अलग अलग तरह की जो सॉइल्स हैं, अलग अलग तरह की जो मिट्टी है, सॉइल की अलग अलग रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज है. तो ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, टारगेट पे डिपेंड करता है. और टारगेट भी आपका अगर समझ लो ज़मीन है, तो उसमें हर चीज़ अलग 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 चीज़ें, वो सब क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग है. तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है किसकी, टारगेट की, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो लाइट सोर्स है या एनर्जी सोर्स है उसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर्स. रिकॉर्डिंग ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर. अब जो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ये जो इंट्रैक्शन हुआ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये इनके बीच में इंट्रैक्शन हुआ, किसके बीच में, एनर्जी के बीच में और टारगेट के बीच में. ये जो इंट्रैक्शन हुआ इसी को क्या करना है, हमें सेंस करना है, इसी को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है. तो इसका क्या होगा, रिकॉर्ड होगा. अब ये जो एनर्जी जिस तरह से रिएक्ट हुआ है उसके बाद क्या होगा, ये कि ये जो वापस एनर्जी रिलीज हुई है इसको सेंस किया जाएगा आपके सेंसर्स के थ्रू. ठीक है, इसको सेंसर्स के थ्रू सेंस किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा इसके इंट्रैक्शन के बाद. देखो इंट्रैक्शन जब भी, अभी कोई भी एनर्जी सोर्सेस हो, फॉर एग्जांपल एनर्जी आपके किसी सोर्स में भी हो सकती है, टेम्परेचर के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, हमने देख लिया साउंड के फॉर्म में हो सकती है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में हो सकती है. ये जो भी इसका इंट्रैक्शन हुआ है इसका टारगेट के साथ, ये फिर उसके बाद क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी. मतलब उसे क्या कर दिया जाएगा, उसे ऐसे स्कैटर कर दिया जाएगा सब जगह. अब जो स्कैटर्ड, ये जो स्कैटर्ड एनर्जी है, यही स्कैटर्ड एनर्जी आपके क्या होगा, सेंसर्स आपको कलेक्ट करेंगे. क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. अब ये जो सेंसर्स जो कलेक्ट कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में कर रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं. होगा आपकी जो एनर्जी है किसी भी फॉर्म में आएगी, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सो दैट उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, स्टोर कर सकते हैं. स्टोर करके क्या कर सकते हैं, हम आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, आगे ट्रांसमिट करेंगे इसको. आगे होगा फिर ट्रांसमिशन टू दी दूसरी किसी सैटेलाइट को, या फिर डायरेक्ट आपके नीचे एंटीना को. ठीक है, या तो दूसरी सैटेलाइट को प्रोसेसिंग के लिए, और या फिर आपके सीधा नीचे ग्राउंड स्टेशन पे, जो आपके एंटीनास लगे हैं ग्राउंड स्टेशन पे, आपके ये ट्रांसमिट कर दिया जाएगा. ये ट्रांसमिशन के बाद होगा रिसेप्शन. रिसेप्शन कौन करेगा, आपके जो ये ग्राउंड स्टेशन है वो करेगा रिसेप्शन. और फिर होगी इसकी प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होगी यहीं पर. ये देखिए प्रोसेसिंग की जाएगी इन डाटा के बारे में. ऑलराइट, इन डाटा का प्रोसेस किया जाएगा कि इसका क्या यूज़ किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब हमने जो भी डाटा कलेक्ट किया वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कलेक्ट किया था, वो किसी भी एनर्जी फॉर्म में था, उसको लेके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया. उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया कि वो इजीली क्या कर सकें, हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में हम अच्छे से ट्रांसमिट करके उसे रिसीव कर सकते हैं. चलो ठीक है, वो हमने कर लिया, रिसीव कर लिया. ठीक है, ट्रांसमिट कर लिया, रिसीव कर लिया, उसे प्रोसेस किया जाएगा. प्रोसेस यानी कि अब उसे हम कन्वर्ट करेंगे हमारे हिसाब से. हमें क्या चाहिए, हमें कोई इमेज फॉर्म में चाहिए, हमें पिक्चर फॉर्म में चाहिए, हमें डायग्राम फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में हम उसे बार डायग्राम फॉर्म में चाहिए. ठीक है, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए,
किस फॉर्म में हमें डाटा चाहिए उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसको कन्वर्ट करेंगे, ये होगा आपका इस प्रोसेस में, प्रोसेसिंग फॉर्म में, ठीक है। इसको प्रोसेस करके हम इसकी हार्ड कॉपी भी सेव कर सकते हैं या फिर आपके कोई डिजिटल फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि इमेज फॉर्म में यूज़ करेंगे हम इसे, किसी भी फॉर्म में इसे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। अब क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन होगा और एनालिसिस होगा। अब इसका यहीं पे ग्राउंड स्टेशन पे ही हम इसको करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हमने जो डाटा जो प्रोसेस किया है अब इसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, इसकी स्टडी किया जाएगा, इसको इंटरप्रेट किया जाएगा। अच्छा, ये डाटा क्या है, कितने चेंजेस आए, क्या पैटर्न है, किस तरह का चेंजेस है, ये सब आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा, ठीक है। और इसको किसी भी फॉर्म में जो इमेज है इसको इंटरप्रेट किया जाता है, विजुअली, डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, किसी भी फॉर्म में इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। सर, इज टोपोग्राफिक सर्वे डन बाय रिमोट सेंसिंग? बिल्कुल, टोपोग्राफिक सर्वे इज डन बाय रिमोट सेंसिंग, बिल्कुल, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के यार बहुत बहुत सारे वास्ट एप्लीकेशन हैं, ठीक है, बहुत वास्ट एप्लीकेशंस हैं। अपन इससे कोस्टल, आपके जो समझ लो कि समुद्र के जो तट हैं, समुद्र की जो गहराई है, हमें नापना है कि समुद्र की गहराई कितनी है, तो गहराई नाप सकते हैं अपन। गहराई के साथ साथ ये भी, सिर्फ गहराई नहीं नाप सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं अंदर टोपोग्राफी कैसी है, कि ये समझ लो कि जो गहराई है। अब हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ज़मीन क्या है, समतल है, बट समतल ज़मीन नहीं है, या ज़मीन इस तरह की है, तो ये हम बाहर जो पिक्चर्स बनाते हैं, जो हमारे मैप्स वगैरह बने हुए हैं, है ना, और मैप्स भी कैसे, हमारे पास 3D मैप्स हो गए हैं आजकल, तो ये 3D मैप्स और ये सब क्या आपको बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी है। तो इवन सिर्फ ज़मीन से नहीं, पानी के अंदर भी हम देख सकते हैं इससे, और इसके एप्लीकेशन डिफेंस, टेक्नोलॉजी, काफ़ी एप्लीकेशन है इसके, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है इसके एप्लीकेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसे अप्लाई करेंगे कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए आप, ये जो कलेक्ट किया ना, ये अलग अलग डाटास, इनको क्या कर सकते हैं, हम मर्ज कर सकते हैं, और हम हमारा जो किस तरह से अप्लाई करना है इसे, वो देख सकते हैं, ठीक है। वेदर फिनोमिना हमें डिटेक्ट करना है कि भाई हमारा मौसम कैसा है, है ना, मौसम कैसा है, मौसम कैसा चल रहा है, कोई भी आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है। चलो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अभी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है, फिर MCQs लेके आऊंगा, फिर बाद में फिर आएंगे डाउट्स। चलो, अच्छी बात है, कोई डाउट्स नहीं है। चलो, तो फिर एंड करते हैं क्लास को यहाँ पे। ऑलराइट, जो भी नया है मेरे दोस्त, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं उसको आपके एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक एंड शेयर, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो यार, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। तो आपके, मैं स्पेशल जो अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ मैं MCQs लॉन्च करने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा टारगेट रहेगा ACF, तो जो भी ACF अकॉर्डिंग जो भी मेरे को MCQs मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, तो सब्जेक्ट वाइज मैं वहाँ पे आपके शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो होपफुली या तो फिर कल सैटरडे, हाँ कल या संडे, ऑलराइट, तो हम इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। राजस्थान एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।